हेलो दोस्तों, मैं प्रसाद, आप देख रहे हो रेडियो काफी विद प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक सीटी स्कैन ब्रेन का एट्रोफी वाला वीडियो। ठीक है, तो पेशेंट का उम्र है 63 इयर्स ओल्ड, पेशेंट का एज है 63। तो इसमें क्या फाइंडिंग्स मिल रहा है हम लोगों को? कॉर्टिकल एट्रोफी है। ठीक है, पूरा ब्रेन ही एट्रोफी हो गया। जैसे आप देख सकते हो, ये है सिल्वियन फिशर। ये सिल्वियन फिशर, ये इसका एट्रोपी कैसे बोलता है, ये एट्रोपी कब बोलूँगा, ये सब सीखेंगे आज। ठीक है, ये देखिए, ये सिल्वियन फिशर, यहाँ से यहाँ तक आप मापिए। ठीक है, मेज़र कीजिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब ये डायलेटेड है। ठीक है, ये डायलेटेड इसलिए है ये, क्योंकि ये एट्रोफी हो गया। ठीक है, ये एट्रोफी हो गया इसलिए ये डायलेटेड है। और ये डायलेटेड होने का फॉल रिजल्ट क्या है, ये देखिए, ये जो ब्रेन है आपका, ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये वाला एरिया कितने थीक हो गया। ठीक है, ये क्या रिजल्ट होगा ब्रेन पे, ब्रेन का ये एट्रोफिड हो गया ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एट्रोफिक हो गया इसका, तो इसका यही है। और है पेरिवेंट्रिकुलर, जो इस्टेमिक चेंजेस बोलता है ना, पेरिवेंट्रिकुलर स्मॉल बेसिक इस्टेमिया, ओ तो इसका, ये पेशेंट का वही दोनों ही फाइंडिंग्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पेशेंट का ऐसे इन्फेक्शन कुछ नहीं है, ऐसे हेमरेज कुछ नहीं है। ये जो पेरिवेंट्रिकुलर एरिया देख सकते हो आप, ये है वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ये वाला एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, ये है थर्ड वेंट्रिकल और ये है ऑक्सिपिटल हॉर्न बा पोस्टेरियर हॉर्न। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकुलर पेरिवेंट्रिकुलर रीजन, मतलब वेंट्रिकल का आसपास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, राइट साइड का ये वाला और ये वाला, तो ये पेरिवेंट्रिकुलर इस्केमिया भी है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ठीक है, आज हम देख रहा था कॉर्टिकल एट्रोफी विथ पेरिवेंट्रिकुलर इस्केमिया, एक पेशेंट का है, वही हम देखा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट पे जरूर डालना। ठीक है, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।